उधर अंबाला में आई भारी बाढ़ से जिला शिक्षा विभाग को लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान नग्गल खेरा चोरमस्तपुर स्थित प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को हुआ। इन स्कूलों में लगभग 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिससे स्कूल में रखे सारे रिकॉर्ड के साथ ही कंप्यूटर फर्नीचर लैब के अलावा हाल ही में सरकार द्वारा स्टूडेंट्स को दिए टैब भी शामिल है, जो बाढ़ के कारण नष्ट हो गए। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी के पंप द्वारा पानी को निकलवाया, लेकिन अभी भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पांच पांच मजदूर लगवाकर पूरे स्कूल की सफाई करवाई जा रही है। दस जुलाई की रात को 1 बजे बाढ़ आई थी और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे के करीब इतना ज़्यादा पानी आया जैसे मोटर से आ रहा है। बहुत हाई स्पीड थी और ये जो आप लेवल देख रहे हैं तकरीबन इतना पानी था। सारा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, सारा हमारी लैंग्वेज लैब ख़त्म हो चुकी, सारे कंप्यूटर्स ख़त्म हो गए, सीसीटीवी कैमरा, ऑल टैब्स, फर्नीचर, मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ हमारी ठीक बची होगी। इस त्रासदी में मैक्सिमम तकरीबन 95 लाख का नुकसान तो हो चुका है। अच्छा। मुख्य अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय खैरा, जो ये बाढ़ का प्रकोप रहा है इसमें घग्गर नदी SYL जो खैरा से भाखड़ा नहर खैरा से 2-3 किलोमीटर दूर से गुजरती हैं उनमें उफान के कारण गांव खैरा में 8-10 फुट पानी व राजकीय उच्च विद्यालय खैरा में 10 से 11 फुट पानी भरा रहा। नई बिल्डिंग में 8-8.5 फुट पानी और पुरानी बिल्डिंग में 11-11.5 फुट पानी रहा, जिसने केवल पानी का जो बहाव था इतना तेज था जो नग्गल की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसमें ऊपर से पानी कौशल्या बांध भाखड़ा नहर और दूसरी जगह से डांगरी और गग्गर से पानी आया तो इतनी तेज़ रफ्तार से आगे की तरफ बह रहा था कि दीवारें सारी जो चार दीवारी थी बाउंड्री थी उसका नुकसान किया। हमारे लगभग 50 स्कूलों में बाढ़ का असर हुआ है और इसमें लगभग 9 करोड़ का नुकसान हुआ है हमारे पास। इसमें ज़्यादातर स्कूलों में बाउंड्री वाल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, कंप्यूटर लैब को और साइंस लैब्स को, डिजिटल बोर्ड को, पोडियम को, तो कुल मिलाकर 9 करोड़ के लगभग हमारा जो है नुकसान भी हुआ है। वैसे तो हमने एक लेटर जारी कर दिया था, अभी जो भी स्कूलों में हमारे पास फंड अवेलेबल हैं जो भी बन पड़ता है वो उसको टॉयलेट्स को, बच्चों के कमरों को। देखिए जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, हमारे 59 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को नुकसान हुआ है और जो नुकसान का आकलन हुआ है वो लगभग 1.7 करोड़ रुपए का आया है। और ये सारा जो बजट है, हमने जो रिक्वायरमेंट है इन स्कूलों को बजट की, वो सारा केस हमने बना के अपने